नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई, वो भी घर पर आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और कम बजट में। तो इस रक्षाबंधन आप अपने भाई को अपने हाथों से बनाकर खिलाइए ये मिठाई, और ये बनी हुई है ब्रेड से, जो कि है ब्रेड भड़वा पुआ। इसका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा और ना कभी आपने इसे बनाया होगा। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। बट उससे पहले मैं खुशबू कनौजिया और मैं अपने चैनल घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत करती हूँ। और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे पैसा नहीं लगता। तो चलिए बनाते हैं आज की नई रेसिपी। तो सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कटोरी चाशनी लिए हैं, और इसे पिघलाने के लिए हम यहाँ पर आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बर्तन लेंगे और बर्तन में ऐड करेंगे ब्रेड। और इसे हम राउंड शेप देंगे। तो राउंड शेप देने के लिए हम यहाँ पर शार्पनर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर गिलास का यूज़ कर रहे हैं जो कि जुगाड़ू है। तो हम इसी तरह से सभी को गोल गोल शेप दे देंगे। तो लीजिए, हमने सभी को राउंड शेप दे दिया। अब हम इसमें फिल करने के लिए बैटर तैयार करेंगे। तो उसे तैयार करने के लिए हम एक कटोरी लेंगे और उसमें ऐड करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को, जो कि है नारियल, बादाम, पीनट। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम हमने वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब रेसिपी है, आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। और मेरी वीडियो के साथ आप बने रहिए। अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया है, अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो मिक्स। अब ये मिक्स हो गया है, अब हम इसे छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। तो चलिए इसका छोटा छोटा सा बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, सारे बॉल्स तैयार हैं। अब हम एक ब्रेड लेंगे और ब्रेड में ऐड करेंगे बॉल्स को, और इसे फिर इसे हम रब करेंगे मिल्क से, और फिर हम इसे अच्छी तरह से रैप करेंगे मिल्क से, और फिर हम ऊपर से एक ब्रेड लगाएंगे और इसे दबा दबा कर बंद कर देंगे। इसे अच्छी तरह से बंद करिएगा दूध लगा लगा कर। तो लीजिए, ये तैयार है। इसी तरह से हम सभी को तैयार कर लेते हैं। हमने सारे को तैयार कर लिया है, अब हम चेक करते हैं कि हमारी चाशनी तैयार हुई है कि नहीं। तो चलिए चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। तो चाशनी भी रेडी हो रही है और ये अच्छी तरह से उबल रहा है। और चाशनी हमें तैयार करनी है जलेबी की चाशनी की तरह, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला।
और इसे खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर और इसे एक दो मिनट के लिए और कुक करेंगे। तो ये भी अब तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। अब हम ब्रेड को फ्राई करेंगे। तो एक पैन लेंगे और पैन में ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तब हम एक एक करके ब्रेड को फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसे शुगर सिरप में डिप कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी ब्रेड को भी फ्राई कर लेते हैं। अब हम भरवा ब्रेड पुआ को सर्व करेंगे। तो हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। और इसे गार्निशिंग करेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल से। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म ब्रेड भरवा पुआ। आप इसे अपने घर पर बनाना चाहेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए। और इंग्रेडिएंट्स सारे ये हैं। तो आप इंग्रेडिएंट्स को एक बार चेक कर लीजिए। अब मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि घर का जायका विद खुशबू में जो दिखता है वही पकता है। सच में इट्स टू यम्मी, बहुत ही टेस्टी बना है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें और हमें सजेशन ज़रूर दें कि हम क्या करें ताकि हमारी चैनल ग्रो कर सके। और हमें कमेंट कर बताएं कि हम आपके लिए क्या बनाएं। और सबसे खास सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे पैसा नहीं लगता बट मेरा हौसला ज़रूर बढ़ता है आगे काम करने को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड नमस्कार।